गाइज, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये इसके रिगार्डिंग है कि ऑलरेडी प्रीलिम्स जो 31 मई को होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है। तो यूपीएससी ने 4 या 5 मई को ये नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया कि 31 मई को जो प्रीलिम्स होता वो अब डिफर कर चुका है, वो पोस्टपोन किया जा चुका है। और यूपीएससी 20 मई को बताएगा कि वो किस दिन हो सकता है या फिर यूपीएससी का क्या फर्दर डिसीजन रहता है। और यूपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि जब भी प्रीलिम्स होगा उसके 1 महीने पहले नोटिस दे दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपको पता चल जाएगा कि वो डेट क्या होगा एटलीस्ट 1 मंथ इन प्रायर। तो अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रीलिम्स कब हो सकता है। तो मेरा पर्सनल गेस है कि मिनिमम अगस्त लग ही जाएगा। रीजन बीइंग कि 20 मई को यूपीएससी बताएगा और यूपीएससी 1 महीना इन एडवांस तो बताएगा ही, तो मिनिमम अगर प्री हो भी तो 20 जून से पहले नहीं हो सकता है यूपीएससी के मुताबिक। और 20 क्या मतलब, वो जून महीने में नहीं होगा तो मिनिमम वो जुलाई जा सकता है। और ऊपर से दिक्कत ये है, दो दिक्कतें और है। एक तो सबसे पहले कि 2 वीक का इंटरव्यू ऑलरेडी सिविल सर्विसेज का बाकी है, तो उनको भी नोटिफाई करना है, उन 2 वीक का इंटरव्यू लेना है, फिर रिजल्ट पब्लिश करना है, फिर उन लोगों को लिए के लिए भी कुछ टाइम देना है कि सच डेट उनमें से भी कुछ होंगे जो प्री की तैयारी करेंगे और प्रीलिम्स देंगे फिर से, तो उनके सहूलियत के लिए भी यूपीएससी देखेगी, तो वहाँ पे 1 महीना चला जाएगा। और दूसरा रीज़न ये है कि अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन ऐसा है स्पेशली रेड जोन के एरिया में, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं किया जा सकता है, तो वो जुलाई में भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो मिनिमम मेरे को जो लग रहा है वो अगस्त हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि जो प्रीलिम्स 31 मई को होने वाला था वो 1 महीना एक्सटेंड हो गया कि एटलीस्ट वो अब 30 जून को होगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि अच्छा, आप जो तैयारी जैसे भी करेंगे प्रीलिम्स के लिए, तो आप दिमाग में ये रखेंगे कि 31 मई की जगह अब वो 30 जून को होने वाले प्रीलिम्स मिनिमम, या उसके बाद ही होगा। तो आप 30 जून दिमाग में रख के चलेंगे तो आप सेफ साइडेड ही खेलेंगे, और आपकी तैयारी अगर लेट से 30 जून को भी प्रीलिम्स हो गया तो भी आपकी तैयारी सही पेस पे चल रही होगी और सही डायरेक्शन में जा रही होगी। तो अब तो ये बात हो गई कि प्रीलिम्स मिनिमम मतलब कब हो सकता है और आपको दिमाग में क्या रखना है। अब बात ये रही कि प्रीलिम्स 1 महीना एक्सटेंड हो चुका है, तो आपकी जो तैयारी होगी अब केवल वो प्रीलिम्स फोकस नहीं हो सकती है, सच्चाई है। रीजन बीइंग कि प्रीलिम्स एक्सटेंड हो रहा है, डैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप मिले वो आपको कम मिले, 4 महीने की जगह 3 ही महीना मिले। तो वहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर प्रीलिम्स प्रीलिम्स करते रह जाएंगे तो फिर दिक्कत क्या होगी, प्रीलिम्स निकलने के बाद जो गैप मिलेगा वो कम होगा, तो फिर मेंस की तैयारी सही से नहीं हो पाएगी। तो अभी जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उसको मेन्स के लिए भी यूटिलाइज करें। तो अभी बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी कि प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी करें और मेन्स के लिए भी तैयारी करें। तो अभी जो प्रीलिम्स होने से पहले आप पूरे पीरियड को 2 फेज में बांट सकते हैं। एक वो वाला पीरियड जब यूपीएससी नोटिफाई करती है कि प्रीलिम्स कब होगा, और दूसरा जब नोटिफाई कर दिए प्रीलिम्स कब होगा वह उस दिन से लेके एक्चुअली प्रीलिम्स तक। तो लेट से अगर यूपीएससी 20 मई को ही ये बता देती है कि प्रीलिम्स कब होगा, तो 1 महीना पहले यूपीएससी बताएगी, तो जब भी बताती है तो वो जो 1 महीना का जो गैप होगा प्रीलिम्स से जस्ट पहले और यूपीएससी जब बताती है उसके बाद, तो उसमें आप स्पेशली प्रीलिम्स फोकस तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब तक यूपीएससी नहीं बताती है तब तक आप ऐसा कर सकते हैं कि हाफ ऑफ प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हैं और हाफ ऑफ मेंस पे फोकस कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आप मेंस में भी ट्रैक पे रहेंगे, और बाद में अगर कम गैप मिलता है बिटवीन प्रीलिम्स और मेंस तो आप वो जो कम गैप मिला है तो उसकी भरपाई आप अभी मेंस के लिए पढ़ के कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अभी से लेकर लेट से अगर यूपीएससी 31 मई को बताती है कि प्रीलिम्स जो होगा वो 30 जून को होगा लेट से, तो अभी से लेके 31 मई तक आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को आप हाफ ऑफ टाइम दे सकते हैं। और 31 मई को जब लेट से अगर यूपीएससी बताती है तो तब से 1 महीना आपके पास हाथ में रहेगा ही, क्योंकि यूपीएससी ने बोल रखा है 1 मंथ इन एडवांस वो बताएंगे, तो वो लास्ट का 1 महीना फिर आप प्रीलिम्स स्पेशली प्रीलिम्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी प्रीलिम्स के लिए करना क्या और मेंस के लिए करना क्या है वो मैं बता सकता हूँ। और स्पेशली अगर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, केवल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए या फिर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए गोल्डन टाइम होगा कि वो मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें इंग्लिश आता है, जनरल स्टडीज होता है और 2 ऑप्शनल होता है। अब इंग्लिश और जीएस काफ़ी कम टाइम रिक्वायर करता है, जीएस तो वही सिविल सर्विसेज जैसा, इंग्लिश थोड़ा सा देखना पड़ जाता है, तो वो भी सिविल सर्विसेज के मेंस के बाद देख लेंगे तो काफ़ी टाइम होता है। लेकिन मेन जो आपका फोकस एरिया होता है वो दोनों ऑप्शनल होता है। आपका अगर सिविल सर्विसेज से एक ऑप्शनल कॉमन है तो ठीक है, दूसरा ऑप्शनल आपका ऑब्वियसली फॉरेस्ट्री होगा। लेकिन अगर आपका कॉमन नहीं है सिविल सर्विसेज से तो आपके 2 नए ऑप्शनल होंगे, एक तो फॉरेस्ट्री होगा और एक शायद जियोलॉजी होगा या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग होगा। तो अभी आप उन ऑप्शनल्स को पढ़ सकते हैं।
तो डेफिनेटली आप आधा टाइम प्रीलिम्स को दे सकते हैं और आधा टाइम उन ऑप्शनल्स को दे सकते हैं अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज पे स्पेशली अगर टारगेट करना चाहते हैं, और इनकेस अगर केवल सिविल सर्विसेज पे कर रहे हैं या फिर अगर फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं कि बाद में पढ़ेंगे और सिविल सर्विसेज पे अगर आप स्पेशल टारगेट करना चाहते हैं तो आधा टाइम आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं, आधा टाइम आप मेन्स के लिए पढ़ सकते हैं। अब प्रीलिम्स के लिए अभी आप क्या कर सकते हैं कि लेट से अभी आप अगर 10 घंटे पढ़ते हैं तो 5 आवर्स आप डेडिकेट कर सकते हैं, 5 to 6 आवर प्रीलिम्स के लिए और बचा 5 घंटा मेन्स के लिए। तो अभी आप अगर प्रीलिम्स के लिए जो कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि अल्टरनेट डे आप टेस्ट दे सकते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं तो फिर आप जो मॉक टेस्ट किसी भी एक कोचिंग का करना ही होगा लगभग 30 से 35 टेस्ट, तो हर 2 दिन में आप एक दिन आप टेस्ट दे सकते हैं। तो लेट से हर दिन आप 5 से 6 घंटा प्रीलिम्स को दे रहे हैं तो हर अल्टरनेट डे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं और दूसरे दिन फिर आप लेट से कोई भी एक टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं। तो आपका ऐसा स्केड्यूल चल सकता है प्रीलिम्स के लिए कि हर दिन आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो एक दिन टेस्ट दिए और उसका एनालिसिस किए, अगले दिन जो 6 घंटा प्रीलिम्स के लिए जो आपको पढ़ना है उसमें आप किसी भी चीज़ का रिवीजन कर लिए, फिर अगले दिन टेस्ट दिए और उसका एनालिसिस कर लिए, फिर अगले दिन फिर आप किसी भी टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। तो मतलब टेस्ट एन एनालिसिस एक दिन, फिर अगले दिन कुछ टॉपिक का रिवीजन चल रहा है, फिर टेस्ट चल रहा है, फिर अगले दिन रिवीजन चल रहा है। इसी तरह अल्टरनेट डे आप कर सकते हैं कि मेन वही 2 चीज़ पे आपको फोकस करना है कि आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं तो अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उसके एनालिसिस कर सकते हैं और फिर अल्टरनेट डे आप रिविजन पर फोकस कर सकते हैं। अब रिविजन का बेस्ट तरीका क्या होता है, डेफिनेटली एक तरीका तो होता है कि मॉक टेस्ट देना, दूसरा तरीका होता है कि आपको भी पता होगा कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं हर चीज़ में, मे बी हिस्ट्री में ज्योग्राफी में, जो आप भूल जाते हैं और स्पेशली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हिस्ट्री में बात करें तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, भक्ति मूवमेंट, इन चारों टॉपिक से एक एक सवाल आना ही आना है, तो इनको रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ज्योग्राफी में रिवर्स हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, माउंटेन्स हो गया, एक एक सवाल आना ही है। फिर इकोनॉमिक्स में अगर बात, पॉलिटी में तो पूरा पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोल सकता। पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत का, बाय द वे। और इकोनॉमिक्स में अगर बात करें कि फिस्कल डेफिसिट कैसे कम हो सकता है, कैसे बढ़ता है, या फिर करेंसी किस कंडीशन में स्ट्रांग होती है, किस कंडीशन में वीक हो जाती है, या फिर रेपो रेट, इन्फ्लेशन, ये सब का क्या कंसेप्ट है। और एनवायरमेंट में नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर साइट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये सबसे रिलेटेड 4-5 सवाल होंगे ही होंगे एनवायरमेंट में से। फिर करंट अफेयर्स 1 साल का, फिर मैप वर्क में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वर्ल्ड में जो न्यूज़ में रहे हैं, फिर रिपोर्ट्स पे 1 या 2 सवाल होते हैं। तो ये सब ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे 15 से 16 सवाल आ ही जाएंगे, तो ये सारे एरियाज को अच्छे से रिवाइज करना, स्पेशली जैसे मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम हो गया या फिर लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हो गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। तो आप अल्टरनेट डे रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं और फिर एक दिन रिवीजन किए किसी भी टॉपिक का, लेट्स आज हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया, अगले दिन हिस्ट्री का मॉक टेस्ट दे दिए, फिर ज्योग्राफी का रिवीजन कर लिया, उसके अगले दिन ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट दे दिए। तो अल्टरनेट डे आप रिवीजन के लिए फिक्स कर सकते हैं, अल्टरनेट डे फिर आप मॉक टेस्ट के लिए भी फिक्स कर सकते हैं कि हर दिन आप प्रीलिम्स के लिए 6 घंटा दे रहे हैं। फिर उसी तरह हर दिन आप लेट्स से मेंस के लिए भी 4 से 5 घंटा दे रहे होंगे, क्योंकि आधा आधा टाइम आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए डिवाइड करना है। तो मेंस के लिए आप स्पेशली अगर मैंने जैसे बताया कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देना है तो इस समय आप ऑप्शनल पढ़ने पे फोकस कर सकते हैं। और मैं साफ साफ बता देता हूँ कि मार्केट में बात बहुत प्रचलित है कि फॉरेस्ट्री 15 दिन में हो जाता है। भाई साहब, अभी जैसा लेवल है कंपटीशन का कि 80 से 90 लोगों का हो रहा है, और जनरल की अगर आप हैं तो 30 से 35 लोग हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और 30 से 35 लोग हैं तो अभी 2 महीना भी कम पड़ रहा है, अभी इतना टफ कंपटीशन हो चुका है, इतना टफ कंपटीशन है। तो इनकेस अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल और केवल लेट्स से अगर 2 महीना भी अगर सही से आप यूटिलाइज कर लेते हो आफ्टर सिविल सर्विसेज में, तो भी काफ़ी क्रूशियल हो जाता है, डेफिनेटली आप रेस में रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये अगर दिमाग में बैठा हुआ है कि फॉरेस्ट्री हफ्ता 15 दिन का ऑप्शनल है, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा, 250 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं 15 दिन पढ़ के, भाई साहब नहीं होता है। जो भी अगर मार्केट में बोल रहा है ये बनी बनाई बातें हैं, वो बिल्कुल भी है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मिनिमम आपको 1 महीना तो देना ही होगा कम से कम, मतलब हर दिन अगर 12 घंटे पढ़ रहे हैं और 1 महीना अगर पढ़ रहे हैं तब जाके आपका सीन बनता है कि आप 250 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, उससे कम आप दिए तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर बहुत ही आपके पास अगर एक्सपर्ट गाइडेंस है तो शायद मे भी आपका एफर्ट लेट से जितना टाइम आप दोगे तो शायद उसके 80 to 85% टाइम में हो जाए, क्योंकि लेट से आपका आपके पास गाइडेंस काफ़ी अच्छी हो, लेकिन फिर भी काफ़ी मतलब लूज में उसको नहीं लेना है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो अगर IFS पे फोकस कर रहे हैं तो अभी आप ऑप्शनल्स पढ़ सकते हैं फॉरेस्ट्री, या फिर आपका अगर एक भी ऑप्शनल सिविल सर्विसेज से कॉमन नहीं है तो जो भी दूसरा ऑप्शनल है मे बी जियोलॉजी, वो पढ़ने में आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज पे स्पेशल फोकस कर रहे हैं तो बहुत टाइम से आपका ऑप्शनल का टच हट चुका होगा, और ऑप्शनल का टच हटना बहुत डिट्रीमेंटल हो जाता है। आप ऑप्शनल्स में कितने भी बड़े पारंगत क्यों ना हो, अगर 2 महीना आपका टच हट चुका है,
बहुत ही मतलब वो प्रीलिम्स देने के बाद लेट से ऐसे ही एक हफ्ता तो वो थोड़ा एंजॉयमेंट वगैरह में निकल जाता है, उसके बाद जब आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो आपको लगता है कि भूल चुके हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, तो वो टच में रहना काफी जरूरी होता है। तो मे बी एक टाइम आप फिर से ऑप्शनल को पूरा ऑप्शनल को पेपर वन पेपर टू को रिवाइज कर सकते हो, आपके पास 15 दिन से 20 दिन के आसपास का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, या फिर आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हो, डेली 2 से 3 सवाल आप लिख सकते हो 1 घंटे का टाइम देके, मतलब आप लिखोगे भी और फिर उसको एनालाइज भी करोगे, ये काम आप कर सकते हो। या फिर आप मेंस में क्या है कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई सा भी पेपर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, लेट से कोई सा भी टॉपिक है, और उस पर जो सिलेबस है उस पर आपको खुद का नोट्स बनाना काफ़ी जरूरी है। कोचिंग का नोट्स क्या है क्या नहीं है, कितना पढ़ लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका खुद का नोट्स नहीं है तो भाई साहब आप मेंस में केवल अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे हो, सीधी सी बात है। अगर आपका नोट्स खुद का बना हुआ नहीं है तो फिर मतलब नहीं बनता, क्योंकि जीएस में फिर अच्छे नंबर नहीं निकल सकते हैं। तो खुद का नोट्स बनाना और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मेंस के लिए। तो आप में भी अभी टेस्ट, तो टेस्ट पेपर वगैरह देना मेंस के लिए तो आफ्टर प्रीलिम्स ही सही होगा, तो अभी आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हो, डेली 2 से 3 सवाल लिख सकते हो आंसर राइटिंग के लिए। किसी एरिया में आपने अगर नोट्स अगर नहीं बनाया तो वहाँ पर नोट्स बना सकते हो, और जो ऑप्शनल आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल का टच आपका काफ़ी टाइम से हट चुका होगा, क्योंकि आप प्रीलिम्स पे स्पेशल फोकस कर रहे होगे, और इस टाइम पे आप पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना, क्योंकि रीजन बीइंग का प्रीलिम्स कब होगा पता नहीं, और अभी तक पेपर सेट नहीं हुआ होगा, जब सेट नहीं हुआ होगा तो डेफिनेटली अभी का भी जो करंट अफेयर्स है वो पूछा जा सकता है, तो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देना करंट अफेयर्स पे। अगर आप 20 से 25 मिनट भी अगर डेली का डेली करंट अफेयर्स पे दे दियो, डेट इज मोर देन इनफ, लेकिन हाँ 20 से 25 मिनट डेली का डेली, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर कहीं से भी फॉलो कर रहे हो, तो 20 से 25 मिनट डेली का डेली अभी दे दीजिएगा, क्योंकि उतना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी होगा नहीं, कोरोना के अलावा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो नहीं रहा है, तो डेफिनेटली हाँ 20 मिनट भी अगर दे देते हैं डेली, डेट इज मोर देन इनफ। और मेंस में आप कर क्या सकते हैं, अगर जीएस की अगर बात की जाए, आईएफएस कर रहे हो तो वो मैंने बता दिया, नोट्स आप बना सकते हो अगर किसी भी टॉपिक आपने अगर नोट्स नहीं बनाया जीएस में मेंस में, ऑप्शनल रिवाइज कर सकते हो, डेली आप लेट से 1 घंटे के लिए आंसर राइटिंग कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको पता होगा आप किस एरिया में वीक हो या आपने क्या नहीं किया है, तो वो कर सकते हो। और जीएस 1 2 3 4 में लेट से 2 3 अभी नहीं भी करोगे रिवाइज तो उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लेट से 4 की आंसर राइटिंग कर सकते हो केस स्टडीज की, क्योंकि वो आंसर राइटिंग में काफ़ी डिपेंड करता है, वो इनफैक्ट वैसा पेपर नहीं है जहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस आंसर राइटिंग स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मे भी आप केस स्टडी प्रैक्टिस कर सकते हो जीएस 4 के लिए। और जीएस 1 अभी आप कर सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, कि होता क्या है कि जो जीएस 1 में जो 3 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी और सोसाइटी, सोसाइटी चलो नया हो गया, लेकिन जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे वही आपका जीएस 1 में है, जो कल्चर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे वही आपका जीएस 1 मेंस में है, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो वही आपका इनफैक्ट जीएस 1 में है, तो कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो इनफैक्ट अगर आप जो प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो साथ में उसको थोड़ा आप साथ में नोट्स भी बना ले तो आपका वो मेंस का भी काम कर सकता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं बर्बाद होगा। लेट से अभी आप अगर नोट्स नहीं बनाते हो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए तो क्या होगा, फिर आपको वही नोट्स बनाना पड़ेगा आफ्टर प्रीलिम्स, तो मे बी आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आपका पेपर वन खराब हो जाएगा। और अगर लेट से आप बना रहे हो नोट्स तो फिर क्या होगा कि अभी जो हल्का और मेहनत कर लेते हो तो बाद में नहीं करना पड़ता, आपको शायद ज़्यादा टाइम देना पड़ जाएगा बाद में कि फिर से वही काम करना पड़ेगा जो आप अभी कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए। तो बेनिफिशियल होगा कि जब आप प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो साथ में खुद का नोट्स भी बना लो मेंस के एंगल से, तो वो कम टाइम में आपका दोनों प्रिपेयर हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए, नहीं तो फिर क्या होगा आपको बाद में फिर से बनाना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और इनफैक्ट होता क्या है कि या तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा अगर, तो फिर आपको कुछ और चीज़ में कम टाइम लगेगा तो आपको वो खराब होगा, या फिर जनरली होता क्या है कि लोग जीएस में फिर पेपर 2 3 और 4 पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, 1 नेगलेक्ट कर देते हैं, तो 1 में फिर आपके कम नंबर रह जाएंगे, मेंस की बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली सबसे बेनिफिशियल अप्रोच ये होता है कि जब आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए तो जीएस 1 का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसका भी आप नोट्स बना ही ले, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साथ में आपका प्रिपेयर भी हो जाता है, तो आपको लेट से बस अभी अगर नोट्स बन गया प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ोगे हिस्ट्री ज्योग्राफी रिवाइज करोगे साथ में आपका नोट्स भी बन गया, तो होगा क्या कि अब मुश्किल से 3 या 4 दिन दोगे आफ्टर प्रीलिम्स वो वही अपना नोट्स रिवाइज करने में, तो आपका जीएस 1 हो जाएगा, तो जीएस 1 में आपको टाइम भी नहीं देना होगा आफ्टर प्रीलिम्स। तो आप जीएस 1 में अगर लेट से अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो वो काम कर सकते हो, अभी नोट्स बना सकते हो, तो जीएस 1 आपका मेंस के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आंसर जीएस 4 की आप केस स्टडी की प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑप्शनल एक बार रिवाइज कर सकते हो, या 1 घंटा आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, या किसी भी एरिया में जीएस 1 2 3 4 में आपने अगर नोट्स नहीं बनाया है तो आप वो नोट्स बना सकते हो। तो डेफिनेटली ये सब एरियाज है जो आप मेंस के लिए कर सकते हो। आप प्रीलिम्स के लिए भी मैंने बता दिया, अल्टरनेट डे आप टेस्ट दे सकते हो और अल्टरनेट डे आप रिवीजन पे फोकस कर सकते हो। और जैसे फिर अगर डेट आ जाता है कि यूपीएससी बताता है कि हाँ अब 1 महीना बाद अब प्रीलिम्स अब होगा, तो तब से फिर आप स्पेशली प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हो।
और फिर उसके बाद कुछ आने वाले टाइम में मैं स्पेशली मेंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, GS1, GS2, GS3 या GS4 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अभी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।